ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, मेरा नाम है रूही और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो मेरा वीडियो है वो है मेकअप पर। मेकअप करके किसको सुंदर दिखना अच्छा नहीं लगता, किसको पार्टीज पे जाना अच्छा नहीं लगता। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें और भी नए वीडियोज़ के अपडेट आप सब तक पहुँचते रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नए ऐप के बारे में बताऊंगी जो है ओरिफ्लेम का मेकअप विजार्ड ऐप। जैसे कि आपने देखा कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया था, बट इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी स्किन टोन पे क्या सूट करेगा। उसी तरह आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें अलग अलग मोड्स हैं, जिस तरह का मेकअप आपको चाहिए आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि कौन सी फाउंडेशन आपकी स्किन पे अच्छी लगेगी, कौन सा ब्लश ऑन आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा आईलाइनर आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि ये है, इसमें बहुत सारी लुक्स बताई गई हैं, जैसे कि क्लासिक, डे, नेचुरल। उसी तरह आपका मेकअप चेंज होता रहेगा, स्मोकी, स्प्रिंग। इसके अलावा और भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं इसमें, जैसे कि जब आप आइकन को क्लिक करेंगे वहां पे आएगा कि कौन सी लिपस्टिक आपके साथ जा रही है, जो भी आपने आउटफिट पहना है उसके साथ कौन सी लिपस्टिक मैच हो रही है, यहां से आप उसको चूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे शेड्स दिए हुए हैं, बरगंडी, ब्राउन, कॉरल, ऑरेंज, पीच, तो जो भी आपके आउटफिट के साथ मैच हो रहा है आप उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। लिपस्टिक चूज करने के बाद और ऑप्शंस हैं हमारे पास आई शेडो के। आई शेडो में भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, जैसे ब्राउन, गोल्ड, ऑरेंज, पिंक, पर्पल। ये देखो, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे आउटफिट के साथ कौन सा आई शेडो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं। आई शेडो चूज करने के बाद बारी आती है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में हम देखते हैं इसमें ल्यूमिनस और सेमी मैट है, ये आप देख सकते हैं कि आपके साथ कौन सा फाउंडेशन जा रहा है, आपकी स्किन टोन को कौन सा फाउंडेशन सूट कर रहा है। तो अब इसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही घर पे ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा फाउंडेशन आपकी स्किन टोन पे ज्यादा सूट करता है। तो इस तरह से आप अपने लिए फाउंडेशन चूज कर सकते हैं जो भी आपकी स्किन टोन के साथ मैच कर रही है। फाउंडेशन चूज करने के बाद बारी आती है ब्लश की। ब्लश में हमारे पास अवेलेबल है ल्यूमिनस, नेचुरल, रेडिएंट। इसमें भी आप अलग अलग टोन चूज कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किन टोन के साथ मैच हो रहा है वो आप चूज कर सकते हैं। ब्लश चूज करने के बाद हमारे पास आता है मस्कारा। तो मस्कारा में हमारे पास ब्लैक अवेलेबल है, बट इसमें भी हमारे पास तरह के मस्कारास अवेलेबल हैं, जैसे आइकॉनिक ऑल इन वन मस्कारा है, वंडर लैश वाटरप्रूफ मस्कारा है। तो हर मस्कारा की अलग सी लुक आती है इस पे। द वन नो कॉम्प्रोमाइज मस्कारा है, उसके बाद वंडर लैश। आप देख रहे हैं कि मेरी आई लैशेस में चेंज आ रहा है। तो जो भी मस्कारा आपको पसंद है वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। मस्कारा चूज करने के बाद हम चूज करेंगे आईलाइनर। कोई भी मेकअप की लुक आईलाइनर के बिना कंप्लीट नहीं होती, तो उसमें भी आप ये चूज कर सकते हैं। आईलाइनर की भी वाइड रेंज है, द वन वंडर लाइनर है, उसके बाद वन कोल आई पेंसिल है, देन गोल्ड सुप्रीम आईलाइनर है जॉर्डन का, देन स्टाइलो वाटरप्रूफ। तो आप देख रहे हैं आईलाइनर से ही कितना चेंज आ गया है, उसी से आप देख रहे हैं मेरी आईज में कितना चेंज आ रहा है। सो इसके भी आप अलग अलग स्टाइल्स में आईलाइनर को अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो। तो इस तरह से आप आईलाइनर चूज कर सकते हैं।
आईलाइनर ब्लू में भी अवेलेबल है, ये ब्लू वाला मुझे ये काफी अच्छा लगा है। तो आईलाइनर चूज करने के बाद हम अपने ब्रोज के लिए कलर्स चूज कर सकते हैं, जैसे कि ये। तो इस तरह से आपने देखा ये मेरा एक फाइनल लुक आ गया है। अब मेरी स्क्रीन पे देखेंगे वो डिस्प्ले कर रहा है कौन सा ब्लश मेरे लिए अच्छा है, कौन सा आई शेडो मेरे लिए अच्छा है, कौन सा फाउंडेशन मेरे लिए अच्छा है, आईलाइनर मस्कारा, ये सब आपको गाइड कर सकता है। इसी तरह से जो फंक्शन है, जो भी ओकेजन है, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि हम उसमें स्पेशल दिखें, बट हमें प्रॉब्लम आती है चूज करने के लिए कि हम कौन सा मेकअप चूज करें। तो इस तरह आप अपने आउटफिट के साथ अपना मनपसंद मेकअप चूज कर सकते हैं, किसी पर डिपेंडेंट होने की भी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट्स आपके सामने अवेलेबल हैं कि ये सब आपकी आउटफिट के साथ जाने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।